फिर शेर बोला, तूने क्या बोला भोसड़ी के, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगर मुंह फिर से खोला तो तेरी लेकर पिछवाड़ा कर दूंगा बड़ा। जिस पर बंदर ने दिमाग की बत्ती जलाई और दिखाने वाला था ठेंगा, लगता है ठोक बजाकर इस किस्से का दी एंड करना पड़ेगा। अगले दिन वो भागता हुआ शेर के पास पहुंचा और बोला, ओए शेर, तेरी बजाने वाला आ गया है, फाड़ देगा तेरा बोचा। और वो कोई ऐसा है जिसे तुम जानते नहीं हो, दिमाग का शॉर्ट सर्किट है, अच्छे अच्छों की बजा चुका है वो। बोला उसने, तुम्हारे लोगों की जमकर की है बुराई। हाँ, गंदा गंदा बोलता रहा, मैं तो वहां से खिसक लिया मेरे भाई। वो बोला, माँ है तेरी छिनाल और बाप तेरा चोर। बोला, रात भर तेरी गांड मारूंगा तो चिल्लाता रहेगा, नो मोर नो मोर। बोला, तेरी बहन तेरे पड़ोसी के बिस्तर की सान बन गई, बड़े भैया बोलते बोलते छोटे भैया को चूसती गई। और कहा, अंकल है तेरा साला मीठा, आंटी है माल और भांजी आइटम पूरे साल, अगली बार तेरी दादी मिलेगी तो पेल कर दूंगा उसकी गांड लाल। क्यों, मजा आ रहा है ना? तो और सुनो, ताजमहल ही तो बनाया था, कौन सा चांद से ले आया? अरे ताजमहल ही तो बनाया था, कौन सा चांद से ले आया? आखिर शाहजहां बड़ी हस्ती थी, हम भी बनवा देते ताजमहल, लेकिन हमारी मुमताज ही गस्ती थी। लंट देना है दान में, लंट देना है दान में, कोई भाभी है क्या ध्यान में? कहना चाहते हैं उनसे दिल की बात और चुसवाना चाहते हैं अपना उस्ताद। जो सब सुनकर वहाँ पर बैठी ऑडियंस ऐसे खिलखिलाकर हंस रही थी जैसे उन्होंने पहली बार कुछ हंसने लायक सुना हो। जो सब देखकर क्लब के मालिक की भी फटी पड़ी थी। अगली सुबह वो अपनी आंटी से कहता है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक और रिकॉर्ड बनाऊं। आंटी कहती है, जो रिकॉर्ड उन पेटियों में पड़े सड़ रहे हैं पहले उन्हें कबाड़ियों को बेच दो। वो कहता है, आंटी मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं उनसे रिकॉर्डिंग का सामान खरीद सकूं। बुढ़िया कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, बस $250 है। वो कहता है, अरे आंटी बस मुझे स्टार बनने के लिए इतने ही तो चाहिए। जिसके बाद वो उन पैसों को लेकर अपने 2-4 यार दोस्तों को पकड़ता है और मार्केट से सड़क पर चलती भीड़ को उठा लेता है और अपनी स्टैंड अप कॉमेडी को रिकॉर्ड करता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं सारी दुनिया के लोग चूतिया है, बस वही सब जानते हैं। ऐसा ही मानने वाला एक गांडू था जिसका कभी नहीं होता था टाइट। तो सुनो उस हराम के जने के बारे में जिसका नाम था डोलेमाइट। जो सारी रिकॉर्डिंग वो एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर को सुनाता है, जिस पर बूढ़ा कहता है, बस करो बहुत हुआ, ये सब बहुत घिनौना है, इसे रेडियो पर सुनाया नहीं जा सकता और ना ही स्टोर में बेचा जा सकता है। देखो रिकॉर्ड पर तुम इतना कह सकते हो कि कोई किसी का पकड़ कर खड़ा है, पर तुम ये नहीं कह सकते कि वो उसका हिला भी रहा है। इसीलिए मैं ना तो तुम्हारे रिकॉर्ड को प्रमोट कर सकता हूं और ना ही बेच सकता हूं। जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है तो वो अपने रिकॉर्ड को खुद ही पैक करके गाड़ी की डिग्गी में रखकर मार्केट में बेचता है। और देखते ही देखते उसका रिकॉर्ड फेमस होने लगता है, सभी लोग उसकी तुकबंदियां सुनते हैं और बहुत हंसते हैं। उसका रिकॉर्ड ब्लैक लोगों में ऐसे बिकने लगा था जैसे घचाघच वाली नीली फिल्मों की कैसेट्स। जिसके बाद जब वो दोबारा क्लब जाता है तो उसे देखने के लिए लोगों की लाइन लगी थी। कान खोलकर सुनो मेरी बातों पर दो ध्यान, क्योंकि मैं वो शाना हूँ जिसने यमराज की भी ले ली है जान। रेगिस्तान में घास उगा दूं, बहा दूं पानी की नदियाँ, चूतिया मत समझो ले चुका हूँ सैकड़ों भूतियाँ। अपनी ठुकाई करवा के भरता हूँ मैं भाड़ा, अपनी ठुकाई करवा के भरता हूँ मैं भाड़ा, ऐसी साली कोई आइटम नहीं जिसकी सील उड़ाकर मैंने अंदर नहीं बाड़ा। अच्छा एक किस्सा सुनो, एक दिन मैं पी रहा था चाय और उसके साथ खा रहा था खारी, मिल गई लोडिया पेल दिया उसको, कर दिया उसका पाव भारी। गधों ने लात मारी लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए, सांप का डंक भी टूट गया बोलने लगा हाय हाय, क्योंकि डोलेमाइट है मेरा नाम और गांडवों की गांड मारना है मेरा काम। जिस सबसे अब तक डोलेमाइट काले लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, जिस वजह से बिहारी भाइयों की उस पर नजर पड़ती है जो कि रिकॉर्ड इंडस्ट्री के उस टाइम के सबसे बड़े दिग्गज हुआ करते थे। वो अपना फायदा देखते हुए डोलेमाइट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हमारे पास एक मार्केटिंग प्रमोशन टीम है, हम तुम्हारे काम को अच्छे से प्रमोट करेंगे। वो कहता है, हाँ मैं यही तो चाहता हूँ, मैंने सारी जिंदगी मशहूर होने का ही तो सपना देखा है। जिसमें वो बिहारी भाइयों के सामने ही एक न्यूड फोटो शूट कराता है ताकि ठरकी लोगों का उसके रिकॉर्ड की तरफ ध्यान जाए, जिससे वही होता है जो उसने सोचा था, उसका रिकॉर्ड साला धड़ाधड़ मार्केट में बिकने लगता है। और वो एक से बढ़कर एक जगह परफॉर्म करता है जहाँ वो इस लेडीज से कहता है, जाने मन अपना पिटारा बंद करो, मेरा गहना हिल रहा है। कुछ दिन पहले एक लड़की मिली, मैंने उससे पूछा गुफा का क्या हाल है, वो बोली गुफा तो उजड़ी हुई है, बस उसकी सिंचाई करके फूल उगाने वाले एक माली की तलाश है। मैं लिख दूं तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, मैं लिख दूं तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, वो आई मेरी जिंदगी में फूल बहारों से, कहती थी बाबू पहली बार है और चुर चुकी थी मादरचोद हजारों से।
खैर वो ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में शो करता है और नए नए टैलेंट को अपने साथ जोड़ता हुआ चलता है। एक दिन बिहारी ब्रदर्स की उसके पास कॉल आती है जो उससे कहता है, मेरे भाई तू टॉप लिस्ट पर है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम तो छा गए मेरे भाई, फटाफट करके वापस आ जाओ, हमें बहुत सारी एल्बम्स रिकॉर्ड करनी है। जिसके बाद वो 7-8 एल्बम और रिकॉर्ड करता है और काले लोगों के बीच में गजब वाला छा जाता है, सभी लोग अब तक उसके दीवाने बन चुके थे। एक दिन वो अपनी टीम और अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो उनसे कहता है, चलो दोस्तों एक कॉमेडी मूवी लगी है वो देखने चलते हैं क्योंकि मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। जहां जब वो गोरे लोगों की कॉमेडी देख रहे थे तो उन्हें झाट भर भी हंसी नहीं आ रही थी क्योंकि वो मूवी बिल्कुल बकवास थी, पर हॉल में बैठे सभी घटिया लोग उस घटिया सी कॉमेडी पर जोर जोर से हंस रहे थे और डोलेमाइट जिसके दिमाग में कुछ चल रहा था वो सिर्फ प्रोजेक्टर लाइट को ही देखे जा रहा था। आगे वो थिएटर से बाहर आता है और कहता है, ये साली कैसी मूवी थी, ना तो ये फनी थी, ना ही इसके अंदर कुंग फू था और ना ही नंगी नंगी लड़कियां थी, बस बहन के लोगों ने 80 फुट की स्क्रीन पर लाइट मार दी और हो गया जादू, मुझे बहन उस बड़े पर्दे पर जाना है, एक बार मेरी मूवी उस बड़े पर्दे पर आ गई ना तो मैं छा जाऊंगा। जिस पर वो फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोगों से मिलता है पर कोई भी उसे फिल्म नहीं देता, जिस पर वो खुद की फिल्म बनाने की सोचता है और अपने एक दोस्त को उसका अकाउंट संभालने के लिए बोलता है और दूसरे को कॉस्ट्यूम और डिजाइन संभालने के लिए बोलता है और एक बंदे को वो मूवी में धासु गाने लिखने के लिए बोलता है, जिसके बाद अब सारा खेल बचा था स्क्रिप्ट राइटर का, जिसके लिए वो इस बंदे को उठा लेता है जो पहले दूसरों के लिए शोज लिखने का काम करता था। कहता है, मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए जिसके अंदर अच्छे लोग हो, बुरे लोग हो, चोर हो, पुलिस हो, नंगी लड़कियां हो, कुंग फू हो। अब उस नकली स्क्रिप्ट राइटर को कोई नहीं जानता था तो उसे अपने आप को मार्केट में लाने का ये एक अच्छा मौका लगा तो वो मान जाता है। आगे उन्हें मूवी के लिए लड़कियों की जरूरत थी तो वो एक क्लब में जाते हैं और वहां से काफी सारी लड़कियों को अपनी मूवी के लिए साइन कर लेते हैं। तभी उनकी नजर कलयुग के काले नाग पर पड़ती है जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों में पहले साइड रोल कर चुका है, जिसे देखकर डोलेमाइट उसके पास जाता है और कहता है, भाई मैं चाहता हूँ कि तू मेरी मूवी में एक अच्छा सा रोल प्ले करे। कलयुग का काला नाग पूछता है, रोल क्या है? डोलेमाइट कहता है, अभी तो मूवी की राइटिंग ही चल रही है पर हम आपके लिए रोल बना देंगे। वो कहता है, सुन बे चूतिए, मैं एक एक्टर हूँ और मेरा एक असिस्टेंट भी है, तेरी सिर्फ किस्मत अच्छी थी जो तुझे मैं यहाँ मिल गया, इसीलिए तुझे लगता है कि मैं तेरी मूवी में काम करूंगा? ना 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 मेरे लाल, ना बिल्कुल भी ना। जिस पर डोलेमाइट उसके मुंह पर एक ऑफर फेंक कर मारता है, कहता है, अगर मैं तुम्हें अपनी मूवी डायरेक्ट करने दूं तो। जो सुनकर कलयुग का काला नाग उसकी फिल्म में काम करने के लिए मना नहीं कर पाता। आगे पैसों की कमी थी तो डोलेमाइट बिहारी ब्रदर्स के पास जाता है और उनसे उधार मांगता है, जिस पर वो कहते हैं, हम तुम पर दाव खेलने के लिए तैयार है पर अगर पैसे डूब गए तो तुम्हारे सारे रिकॉर्ड हमारे होंगे हमेशा के लिए। वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं खुद पर ये दाव लगाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो एक खाली पड़ी जगह से सारे नशेड़ियों को भगा देते हैं और उस जगह को अपना स्टूडियो बनाते हैं। आगे एक एक करके वहाँ पर ड्रेस वगैरह और जिस जिस सामान की मूवी में जरूरत पड़ती है वो सब लाया जाता है, जिस मूवी को ये कैमरामैन शूट करेगा जो कि 20 साल का लौंडा है और पहले शॉर्ट फिल्म बनाता था। आगे मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें अब वो पहली बार फिल्म बना रहे थे तो उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें थी, जिसमें उन्हें बार बार स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ता था, डायरेक्टर के साथ झोल झमेला हो रहा था, पर जो भी हो वो अपनी मुश्किलों को पार करते हुए अपनी मूवी पर काम करते जा रहे थे। जिसके एक सीन में डोलेमाइट को पकड़ने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं तो वो उनके साथ हाथापाई करने लगता है जो कि बिल्कुल ही फेक और थर्ड क्लास लग रहा था, तो अपना डायरेक्टर जो कि कलयुग का काला नाग है वो कैमरामैन से कहता है, क्या कोई ऐसा एंगल है जहां से हम शूट करें तो ये लड़ाई थोड़ी सी असली लगे? कैमरामैन कहता है, ऐसा कोई एंगल नहीं है। डायरेक्टर कहता है, ठीक है भाई करो कंटिन्यू इस बकचोदी को। जिसके बाद एक सीन में पुलिस वाले डोलेमाइट की कार का पीछा कर रहे थे जिसमें वो पूरी टीम पर कीचड़ उड़ा देते हैं, जिस पर डायरेक्टर कहता है, अबे भैणचोद मुझे तो बता देते कि ये कीचड़ वाला सीन है, कहाँ है साला वो कीचड़ राइटर, बुला उसे आज मैं भैणचोद उसकी बिना थूक लगाए मारूंगा। खैर ऐसे ही धीरे धीरे मूवी की शूटिंग चलती रहती है, जिसके आखिरी सीन में मूवी का विलन बोले तो अपना कलयुग का काला नाग डोलेमाइट के हाथों मारा जाता है और मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इस फालतू मूवी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर की फटी पड़ी थी तो कहता है, भाइयों ये फालतू की 3 ग्रेड मूवी पूरी हुई, सभी ने अच्छा काम किया, तो चलते हैं, अगर मूवी रिलीज हो पाती है तो फिर से मिलेंगे, और वहां से चला जाता है। अब जैसे तैसे करके उन लोगों ने मूवी कंप्लीट कर ली थी तो वो सभी खुशी से नाच गा रहे थे। जिसके कुछ महीनों बाद हम देखते हैं डोलेमाइट ने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट किया पर कोई भी उसकी मूवी को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि वो कर्जे में जो डूबा हुआ था और उसकी मूवी रिलीज होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से उसे फिर से स्टैंड अप कॉमेडी करनी पड़ती है क्योंकि खुद का गुजर बसर करने के लिए अब एक यही रास्ता बचा था। एक दिन वो एक रेडियो शो पर जाता है जहां आरजे उससे कहता है, भाई तू टेंशन मत ले, मेरा एक कजन है जो अपटाउन नाम का मूवी थिएटर चलाता है, तू जाकर उससे बात कर शायद कुछ हल निकल आए। जहां थिएटर का ओनर उससे कहता है, शुक्रवार की रात को 12 बजे के बाद हमारा कोई शो नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारी मूवी लोगों को दिखा सकते हैं जिसके मैं तुमसे $500 चार्जेस लूंगा, तुम्हें खुद ही अपनी मूवी का प्रमोशन करना होगा और खुद ही उसकी टिकटें बेचनी होंगी और किस्मत अच्छी हुई तो तेरी मूवी चल सकती है। आगे अब शुक्रवार की रात को आने में 2 दिन बाकी थे तो वो अपनी मूवी के पर्चे खुद गली गली जाकर लोगों को बांटता है और कुछ पोस्टर्स को तो वो दोस्तों की दुकान पर चिपकवा देता है। फिर इलेक्शन वालों की तरह धुत्तू में चिल्ला चिल्ला कर अपनी मूवी का प्रमोशन करता है। रेडियो पर आरजे भी उसकी फिल्मों के बारे में लोगों को बताता है और अब आ जाती है शुक्रवार की वो रात जहां अब 12 बजने में 10-15 मिनट बचे हैं और कोई कुत्ता भी उसकी मूवी देखने नहीं आया है, जिससे वो निराश हो जाता है और टिकट काउंटर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी है उसकी मूवी को देखने के लिए, जो सब देखकर उसको एक अलग ही तरह की खुशी होती है। आगे थिएटर में उसकी फिल्म चलाई जाती है जहां सभी लोग थर्ड क्लास कॉमेडी देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। उस पूरी मूवी में इतनी कॉमेडी थी जो ऑडियंस ने आज तक नहीं देखी थी। जो फिल्म आसपास के सभी लोकल थिएटर्स में चलाई जाती है और बिना ऑफिशियल रिलीज के ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, जिसकी टक्कर में साली कोई मूवी नहीं थी, जो सब डायमेंशन पिक्चर्स के ओनर को पता चलती है। तो वो डोलेमाइट के पास फोन करता है जिसने पहले उसकी मूवी खरीदने से साफ इनकार कर दिया था, पर अब वो भूतनिका उसकी मूवी खरीदना चाहता था, जो सुनकर डोलेमाइट की फटी रह जाती है। और अगले दिन वो अपनी टीम के साथ डायमेंशन पिक्चर्स के ऑफिस पहुंचता है जहां वो उनसे पूछता है, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे हाथ क्यों मिलाऊं जबकि मैं तो अकेले ही झंडे गाड़
रहा हूँ। डायमेंशन का मालिक कहता है अगर तुम अपनी मूवी को अपने तरीके से लोगों के बीच में लाना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तुम्हें खुद पूरे देश के एक एक थिएटर में जाकर अपनी मूवी के बारे में बताना पड़ेगा, जो करते करते तुम थक जाओगे और अगले 5 सालों में भी तुम अपनी मूवी को मुश्किल से ही रिलीज कर पाओगे। और अगर तुम अपनी मूवी को सही तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हो तो हम हैं। जो बात डोलेमाइट को सही लगती है तो वो डायमेंशन पिक्चर से हाथ मिला लेता है। जिसके बाद वो दिन आ जाता है जब मूवी का हॉलीवुड में प्रीमियर होने वाला था, जिसके लिए पूरी टीम एक लेमोजीन में बैठकर अपना शो देखने जा रही थी, जिसमें वो सभी अपनी मूवी का क्रिटिक्स द्वारा लिखा गया रिव्यू पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा था कि ये मूवी साल की सबसे घटिया मूवी है, कहानी का प्लॉट बहुत अजीब है और एक्टर डायलॉग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, और नंगेपन की तो बात ही मत करो। इस मूवी में सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि पहली बार किसी मोटे आदमी ने रोमांटिक हीरो का रोल किया है, जो सब पढ़कर उन सभी का मुंह उतर जाता है। तो डोलेमाइट कहता है भाड़ में जाए साले क्रिटिक्स, उन सालों को कुछ नहीं पता होता, वो साले मुंह उठाकर ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं। आगे जैसे ही वो थिएटर के नजदीक पहुंचते हैं तो उन्हें लोगों के शोर की आवाज आने लगती है। वो सभी बाहर देखते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि उनकी मूवी देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ थिएटर के बाहर मौजूद थी, जिस पर जब वो कार से उतरते हैं तो सभी लोग उनके लिए ऐसे पागल हो जाते हैं जैसे कोई सुपरस्टार आ गया हो। सभी तालियां बजा रहे थे, शोर मचा रहे थे, फोटो खींची जा रही थी, ऑटोग्राफ दिए जा रहे थे। हॉल का मालिक डोलेमाइट को बताता है कि सर 10 बजे के शो की सारी टिकटें बिक चुकी है और 12 बजे के शो की भी सारी टिकटें बिक चुकी हैं और हमें शायद रात के 2 बजे भी शो चलाना पड़ सकता है। वो पूछता है क्या कह रहे हो यार, ये लोग रात के 2 बजे तक यहाँ रुकेंगे मेरी मूवी देखने के लिए? वो कहता है हाँ सर बिल्कुल, जिस सबसे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसके फैंस को 2 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा उसकी मूवी देखने के लिए। जिस पर वो प्रीमियर में जाने की बजाय बाहर जनता के बीच में जाकर उनका मनोरंजन करता है और पूछता है क्या हाल है बाहर के लोगों, जो सुनते ही सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हाँ ये कोई बंदा है जिसकी हम